गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको अर्धसूत्र विभाजन का महत्व बताया, पर आपको बताया कि अर्धसूत्र विभाजन की क्रिया के दौरान जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो एकगुणित गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका की तुलना में कितनी होती है, दुगुनी होती है। आनुवंशिक विविधता जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, अर्धसूत्र विभाजन के कारण उत्पन्न होती है। जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो अर्धसूत्र विभाजन के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्र विभाजन युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। युग्मकों का जब निर्माण होता है या युग्मक जनन की क्रिया होती है तब अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या है, जीवों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो समय और स्थान के आधार पर तीन प्रकार का होता है, नंबर एक जाइगोटिक, नंबर दो स्पोरिक, नंबर तीन गैमेटिक। उसके बाद हमने आपसे बात की थी डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन समसूत्री यानी कि समसूत्री जो विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। देखिए, दूसरा मैंने आपको बताया कि समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें कायिक वृद्धि होती है, जहां पर अर्धसूत्र विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है। समसूत्र विभाजन की प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, ठीक है, परंतु अपेक्षाकृत लंबी होती है, या हम कह सकें अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्र विभाजन में प्रोफेज जो अवस्था होती है वो अपेक्षाकृत कैसी होती है, बड़ी होती है। समसूत्र विभाजन में प्रोफेज अवस्था सिंपल होती है, साधारण होती है, जबकि अर्धसूत्र विभाजन में प्रोफेज अवस्था पांच उप प्रवस्थाओं में बटी होती है, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस में बटी हुई होती है। देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है। समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, समसूत्र विभाजन में जीन विनिमय की घटना होती है, यहाँ पे जीन विनिमय की घटना नहीं होती है। समसूत्र विभाजन के अंदर सिनेप्सिस का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, या सूत्र युग्मन नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्र विभाजन में सूत्र युग्मन होता है। समसूत्र विभाजन में क्याजमेटा नहीं बनते हैं, अर्धसूत्र विभाजन में क्याजमेटा का निर्माण होता है। ये सारी घटनाएं किसके अंदर होती है, समसूत्र और अर्धसूत्र विभाजन में, हमने आपको बता दिया अंतर। इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक शेष रह गया है जिस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, ए माइटोसिस डिवीजन अर्धसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन पर आपसे आज चर्चा करेंगे, क्लास 11th। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लेसन नंबर 10 का और उसका नाम है ए माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्र विभाजन। देखिए, अर्धसूत्र विभाजन की खोज 1841 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रीमेक, ठीक है, कई बुकों में आपको रेमक भी पढ़ने के लिए मिल सकता है, रेमेक, ठीक है। अर्धसूत्र विभाजन की खोज 1841 में रीमेक या रेमक नामक वैज्ञानिक ने की। आपको बता दें, अर्धसूत्र जो विभाजन होता है वो मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं या प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, अर्धसूत्र विभाजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे जीवाणु होते हैं, ठीक है, या प्रोटोजोआ होते हैं, या निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं जिनमें शैवाल और कुछ क्या होते हैं, कवक होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, अर्धसूत्र विभाजन पाया जाता है।
ये विभाजन किस प्रकार से होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये कोशिका है और इस कोशिका में ये क्या है, केंद्रक है। यहां पर इस केंद्रक के अंदर क्या लगता है, दाब लगता है। असूत्र विभाजन में केंद्रक के अंदर क्या लगेगा, दाब लगेगा। दाब लगने पर ये संकीर्णित होगा। देखिए दाब लगने पर ये किस तरीके से संकीर्णित हो जाएगा, केंद्रक इस तरीके से संकीर्णित हो जाएगा, यानी कि बीच में से पिचक जाएगा। इसी दौरान क्या है कि इसका कोशिका द्रव जो होगा, यानी कि कोशिका द्रव जो होगा वो भी संकीर्णित होगा, या हम कह सकते हैं इनमें साइटोकाइनेसिस डिवीजन की क्रिया होती है और इनकी कोशिका झिल्ली भी क्या होती है, यहां से इनमें संकीर्ण अणु का निर्माण हो जाता है और ये संकीर्णन धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे असूत्री जो विभाजन होता है इसमें जो केंद्रकीय जो पदार्थ होते हैं उन केंद्रकीय पदार्थों का क्या होता है, उन पर दाब पड़ता है और दाब पड़ने पर ये क्या होता है, केंद्रक सबसे पहले विभाजित होता है, फिर इनमें साइटोकाइनेसिस और कोशिका झिल्ली के अंदर विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसमें दो पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थों की मात्रा जो होती है वो बराबर नहीं होती है। एक में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा यहाँ पे अधिक होगी तो यहाँ पे कैसी होगी, कम होगी। यहां अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पर कम होगी। इसलिए इस विभाजन को असूत्री विभाजन भी कहा जाता है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर कोशिका में विभाजन हुआ है, केंद्रक में वही केंद्रक विभाजन हुआ है, केंद्रक द्रव विभाजन कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन हुआ है, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो समान रूप से पुत्री कोशिकाओं में विभाजित नहीं होते, ठीक है। इसलिए इस विभाजन को असूत्री विभाजन कहा जाता है। देखिए इसी के साथ लेसन नंबर 10 हमारा समाप्त हुआ। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैंने आपको पहले बोला है कि हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके अपने प्रॉब्लम्स का हल जान सकते हैं, ठीक है। देखिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है। देखिए आपको बता दें लेसन नंबर 4 है जिस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 4 पाठ का नाम है जंतु जगत, इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के नाम से इसे जाना जाता है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई वर्गीकरण क्या है, हालांकि हम आपसे इसके बारे में पहले और दूसरे चैप्टर में आपसे बात कर चुके हैं, ठीक है। देखिए वर्गीकरण का जो मुख्य आधार होता है वो कुंजी लक्षण होता है, इसलिए वर्गीकरण का मुख्य आधार कुंजी लक्षणों को क्या है, बनाया गया है। वर्गीकरण क्या है कि जीवों को समानता और असमानता के आधार पर छोटे और बड़े समूहों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण किसे कहते हैं ये हम आपको रिकॉल कर रहे हैं, पहले हम आपको इस पे बता चुके हैं। जीवों को समानता और असमानता के आधार पर छोटे और बड़े समूहों में, ठीक है, बांटा जाता है जिसे क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। देखिए सबसे पहले अरस्तु नाम का एक वैज्ञानिक था और उस अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने जंतुओं में रक्त के रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा। अरस्तु ने जंतुओं को दो भागों में बांटा, किसके आधार पर बांटा, रक्त के रंग के आधार पर, ठीक है। अरस्तु ने जंतुओं को रक्त के रंग के आधार पर दो भागों में बांटा, ठीक है। और वो कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु ने जंतुओं को रक्त के रंग के आधार पर, रक्त के रंग के आधार पर कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला है एनाइमा, हिंदी में भी लिख रहा हूं एनेमा। दूसरा है इने
मा एन आई ई मा, ठीक है। देखिए एक का अर्थ होता है एब्सेंट, ठीक है। नेमा का अर्थ होता है, नेमा का अर्थ होता है ब्लड, ठीक है। रक्त का रंग जिसके अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है, या हम कह सकते हैं ऐसे जीव जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है, ऐसे जीव जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं या मोलस्क का संघ के जंतु होते हैं, उनका रुधिर का रंग लाल नहीं होता है, तो वो क्या है, एनेमा होते हैं। एनेमा ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, एनेमा कहा जाता है। टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्टिंग द ब्लड इन रेड कलर, दैट इज नोन एज एनेमा। ऐसे जंतु जिनमें रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और जिनमें रुधिर का रंग कैसा हो, लाल हो, उसे क्या कहा जाता है, एनेमा के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका आधार पर हम बात करने जा रहे हैं कि भाई वर्गीकरण का आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं किस आधार पर करते हैं, ठीक है। देखिए जीवों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो बहुत सारे आधार है, उन सभी आधारों पर हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए भाई जीवों का वर्गीकरण का आधार, जीवों के वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, ठीक है। देखिए जीवों के वर्गीकरण का निम्न आधार होते हैं, और नंबर है एक, कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर। कोशिका की संख्या के आधार पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीव जगत होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, जहां हम कह सकते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, दो जगतों में बांटा गया है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो जगतों में बांटा गया है, पहला है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और दूसरा होता है मेटाजोआ। दूसरा कौन सा है, मेटाजोआ, इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखेंगे प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट, जोआ का अर्थ होता है एनिमल, अर्थात ये ऐसे जंतु थे जो पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित हुए थे, और इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो एक कोशिका से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ जगत। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो क्या है, प्रोटोजोआ में आता है। मेटाजोआ ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है, मेटाजोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाजोआ कहा जाता है, ठीक है। या जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसको हम इतना घुमा करके नहीं कह रहे हैं, तो हम यह भी बोल सकते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर एक कोश के जीव, और दूसरे होते हैं बहुकोश के जीव। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है वो एक कोश के, उन्हीं एक कोश के जीवों को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ जगत कहते हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव, या उन्हें क्या कहा जाता है, मेटाजोआ जगत कहा जाता है। मेटाजोआ जगत के अंदर खास तौर से स्पंज से लेकर के जितने भी
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। क्लियर बात हो गई। देखिए अब हम बात करते हैं शरीर के संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? शरीर के संगठन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो दूसरा वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण का आधार हमने पढ़ लिया है कोशिका की संख्या के आधार पर, और दूसरा है शरीर के संगठन के आधार पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन के आधार पर, शरीर संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर के संगठन के आधार पर। ठीक है, देखिए जीवों को शरीर के संगठन के आधार पर मैं आपको बता दूं चार, ठीक है, भागों में क्या है बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। एक बार फिर दोबारा मैं बता देता हूं कि शरीर संगठन के आधार पर जीवों को चार भागों में बांटा गया है, या हम ऐसे बोल सकते हैं मेटाजोआ समूह के जो जीव होते हैं, मेटाजोआ समूह के जीवों का वर्गीकरण जो होता है वो चार भागों में किया गया है। किस आधार पर? शरीर के संगठन के आधार पर। मेटाजोआ समूह के जीवों को, ठीक है, शरीर के संगठन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। देखो चार कौन कौन से भागों में बांटा गया है। नंबर एक, जीव द्रव्य संगठन, जीव द्रव्य संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर, इंग्लिश में बोलते हैं सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो प्रकार का होता है वो ऊतकीय स्तर का होता है, कौन से स्तर का होता है? ऊतकीय स्तर का होता है, जिसे बोलते हैं टिश्यू लेवल, कौन से लेवल बोलते हैं? टिश्यू लेवल। और चौथा जो होता है वो कहलाएगा अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का, देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अंग तंत्र स्तर। तो मैंने आपको बता दिया है कि मेटाजोआ, मेटाजोआ कौन होता है? वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें मेटाजोआ जगत कहा जाता है। और मैंने बताया कि मेटाजोआ जगत के जीवों को शरीर के संगठन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक, जीव द्रव्य संगठन, कोशिकीय स्तर का संगठन, ऊतकीय स्तर का संगठन, अंग तंत्र स्तर का क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जीव द्रव्य संगठन के बारे में। किसके बारे में? जीव द्रव्य संगठन क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं, ठीक है, कौन से संघ के? प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं उनमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, उनमें श्रम विभाजन अनुपस्थित होता है। इसलिए मैं बता दूं, इन जंतुओं में, इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो जीव द्रव की बूंद के क्या होता है? शरीर समान होता है। इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो जीव द्रव की, जीव द्रव की बूंद के कैसा होता है? समान होता है। ऐसे जीव द्रव की बूंद के कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, और इस प्रकार के संगठन को हम क्या कहते हैं? आणविक स्तर का शारीरिक संगठन भी कहते हैं। यानी कि हम जीव द्रव स्तर के संगठन को, जीव द्रव स्तर के शारीरिक संगठन को आणविक स्तर का शारीरिक संगठन भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? आणविक स्तर का क्या कहा जाता है? शारीरिक संगठन कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वे जीव जिनका शारीरिक संगठन जीव द्रव से बना होता है,
या हम कह सकते हैं वे जीव जिनका शरीर जीव द्रव से बना होता है, इस प्रकार के शारीरिक संगठन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव द्रव स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। और जीव द्रव स्तर का शारीरिक संगठन मोस्टली प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। अमीबा है, पैरामीशियम है, इन जीवों के अंदर क्या है, पाया जाता है। दूसरा है कोशिकीय स्तर का, ऐसे जीव जिनका शरीर, ठीक है, ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन कोशिका से बना होता है उसे कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। देखिए कोशिकीय स्तर का जिनमें शारीरिक संगठन पाया जाता है वो खास तौर से पॉरीफेरा, पॉरीफेरा संघ के जीवों के अंदर कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनमें श्रम विभाजन तो क्या होता है, या तो अनुपस्थित होता है या फिर श्रम विभाजन अल्प विकसित होता है। इनमें तंत्रिका कोशिकाओं का भी क्या होता है, अभाव होता है। और जंतुओं का जो शरीर होता है वो कोश से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। अर्थात वे जीव जिनका शरीर कोशिका से बना होता है उन्हें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। और पॉरीफेरा संघ के जंतुओं के अंदर खास तौर से कोशिकीय स्तर का क्या पाया जाता है, शारीरिक संगठन पाया जाता है। तीसरा हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऊतकीय स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ऊतकीय स्तर का किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। ये ऊतकीय स्तर का मैं आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से। ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन किससे बना होता है, ऊतकों से बना होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इन जंतुओं में ऊतक बनने की शुरुआत हो चुकी होती है। और ऊतक क्या होते हैं, ऐसे कोशिका जो आकार और आकृति की दृष्टि से, आकार आकृति कार्य की दृष्टि से कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। ऐसी कोशिका समान आकार व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। समान आकार होगा और समान कार्य होगा, समान आकार व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। इसलिए हमने आपको बोला कि ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन किससे बना होता है, ऊतकों से बना होता है, क्योंकि इन जंतुओं में ऊतक के निर्माण की शुरुआत हो चुकी होती है। और इनमें श्रम विभाजन क्या है, पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। खासतौर से सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होता है जैसे हाइड्रा होता है, इन जंतुओं में ऊतकीय स्तर का क्या पाया जाता है, शारीरिक संगठन पाया जाता है। सबसे अंतिम हम बात कर रहे हैं अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। देखिए ऐसे जंतु जिनका शरीर क्या है, ऐसे जंतु जिनके शरीर में क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। और वो ऊतक मिलकर के उन जंतुओं के शरीर में अंग और तंत्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात वे जीव जिनका शरीर अंग और तंत्रों से मिलकर के बना होता है, या ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन अंग और तंत्रों से मिलकर के बना होता है, क्यों बना होता है, क्योंकि उनके शरीर में क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। और वही ऊतक क्या करते हैं, उन जीवों के शरीर में ऊतक मिलकर के अंगों का और तंत्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं जो स्पंज यानी कि प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतु होते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस के बाद आता है एस्के हेलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडेंट, ठीक है, स्तनधारी, एम्फीबिया, पिसीज, रेप्टिलिया और एबीज, ठीक है। ये सारे जंतु होते हैं, इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। किस प्रकार का होता है, अंग तंत्र स्तर का इनका क्या पाया जाता है, शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ऐसे जंतु जिनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है, अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। देखिए आज जो हमने आपसे बात की है वो जीवों के वर्गीकरण के आधार पर बात की, नंबर एक कोशिका की संख्या के आधार पर, और मैंने आपको बताया कि जीव होते हैं उनको कोशिका की संख्या के आधार पर दो जगतों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ वे जीव होते हैं जिनके शरीर में एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका से मिलकर के बनते हैं। मेटाजोआ वो होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
शरीर संगठन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। शरीर संगठन के आधार पर खासतौर से जो मेटाजोआ समूह के जो जीव होते हैं उनका शारीरिक संगठन जो होता है वो चार भागों में बटा होता है। जीवद्रव्य संगठन, कोश के स्तर का, ऊतक के स्तर का, अंग और तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है, तो इसी के साथ शरीर के संगठन का आधार समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम समिति के आधार पर पढ़ेंगे, देगवा के आधार पर पढ़ाएंगे, ठीक है, जनन स्तरों के बारे में हम पढ़ेंगे और भी कई बिंदुओं पर यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो बाकी शेष वर्गीकरण का आधार हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, कोरोना, बी सेफ एट योर होम, थैंक्स वेरी मच।